तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और यह वीडियो क्लास टेंथ का है, जो संस्कृत लिए हैं ना उर्दू वाले लोगों के लिए नहीं है बाबू, ये संस्कृत जो लिए हैं उन बाबू लोगों के लिए है, बहुत ही शानदार है। और हिंदी में क्वेश्चन आया और गुरु नानक वाला में से नहीं है, गुरु नानक जी के बारे में से नहीं है, ऐसा तो बाबू हो ही नहीं सकता है। इससे हर बार क्वेश्चन रहता है और घुमा घुमा करके क्वेश्चन रहता है, तो आप घुमा घुमा करके आंसर नहीं, डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिए कैसे, उनका जन्म गुरु नानक देव जी, सिखों के सबसे पहले गुरु बोला जाता है गुरु नानक देव जी को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी जहाँ इनका जन्म हुआ था उस समय वो हिंदुस्तान में था, लेकिन आज वो बंटवारा की वजह से वो आज पाकिस्तान में चला गया है, यानी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और पंजाब की बात करें तो जब बंटवारा हुआ तो कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया और बाबू कुछ हिस्सा कहाँ गया, हिंदुस्तान में रह गया। पाकिस्तान में हिस्सा कट गया पंजाब का, वो लाहौर बन गया और हिंदुस्तान वाला अमृतसर बन गया, यानी अमृतसर साइड वाला इधर हिंदुस्तान में रह गया और एक पंजाब वाला आधा हिस्सा लाहौर में चला गया। तो उस कंडीशन में इनका लाहौर में जन्म हुआ। लाहौर में जहां जन्म हुआ उसको बोला जाता है तलबंडी। याद रखिएगा कि गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था, तो तलबंडी में होता। तलबंडी कहां स्थित है बाबू, आपसे पूछा जाए तलबंडी कहां स्थित है, क्या बताइएगा, लाहौर जिला में स्थित है। और लाहौर कहां है, पाकिस्तान में है, ठीक है। यहां देखिए तलमंडी का नाम भी बदल करके ननकाना साहब हो गया। आपसे बोला जाएगा कि तलमंडी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया, तो गुरु नानक देव के नाम पर रखा गया, ठीक है, यानी ननकाना साहब उसका नाम बदल गया। अब देखिए पिता का नाम था कालू चंद खत्री, देखिए कितना खतरनाक नाम है। माता का नाम था तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी, याद रखिए पत्नी सुलक्षणी, कुलक्षणी मत कह दीजिएगा। यहां देखिए उनके पिताजी उनको व्यवसाय में घुसाना चाहते कि तुम लो ही पैसा व्यापार करो, लेकिन पता है वो सिर्फ साधु संतों में और सत्संग वगैरह में लीन रहते थे, ठीक है, यानी कि वो लोगों की सेवा करना वो सबसे पहले मानवता को समझते थे, यानी कि कहीं अगर घूमने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति भूखा है तो वहाँ लंगर शुरू कर देते थे। लंगर समझते हो ना, यानी कि उस समय सिख लोग, आज भी देखिएगा हर गुरुद्वारा के सामने हर वक्त क्या लंगर लगता है, उसमें गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये इतने दयालु थे, सबसे पहले ये मानवता को सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहले मानव धर्म को समझते थे कि एक मानव का धर्म है कि एक दूसरे के सुख दुख में मतलब भाग लेना, यहां समझिए। उनके पिताजी व्यवसाय में घुसाने की कोशिश करते, पैसा वैसा कुछ दिए, लेकिन वो सब साधु संतों में खर्च कर देते थे, वो भक्ति की ओर ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। हिंदू मुसलमान समान धार्मिक प्रबल, यानी हिंदू मुसलमान को एकदम बराबर तरीका से देखते थे और समान क्या है, दोनों को समान धार्मिक प्रबल देते थे, ठीक है। अपने अपने धर्म को मानो, लेकिन सबसे पहला धर्म तुम्हारा इंसानी मानव धर्म होना चाहिए। यहाँ देखिए यात्रा किए, वो बहुत दूर दूर तक है, अलग अलग देशों में घूमे, ठीक है, व्यापक देशाटन यानी कि अलग अलग देशों में जाके भ्रमण किए। मक्का मदीना भी गए हैं और वहाँ मक्का मदीना भी गए हैं और वो बाबर से भी मुलाकात किए हैं। आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा भी बाबू, मैट्रिक में चांसेस बनता है कि आपसे किस मुगल वंश के शासक से गुरु नानक जी मिले थे, तो बाबर से मिले थे, याद रखिएगा बाबर से मिले थे। अब देखिए गुरु नानक जी सिख, यहाँ पे सिख धर्म का प्रवर्तक, यानी सिख धर्म का शुरुआत किसने की, तो गुरु नानक जी ने की, याद रखिएगा सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक, या फिर ऐसे सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया, यानी प्रवर्तक मतलब शुरुआत आरंभ किसने किया, तो यहाँ गुरु नानक देव ने किया। इनके दोहे जो है ना सबसे ज्यादा कबीर के रचनाओं की तरह है, जैसे कबीर के रचनाओं में जीवन का अनुभव होता है, ठीक है, उसी प्रकार ये भी गुथे गए हैं। किनके, ये गुरु नानक देव के जितने भी दोहे हैं कबीर के दोहे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, सेम टू सेम। जिस तरह जीवन का अनुभव बताता है कि आप जिंदगी जी रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति जब अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है तो उससे पूछे है कि इतना जिंदगी जी है क्या क्या किए हैं, तो अपना अनुभव पूरा बताएगा, वैसे जीवन का अनुभव कराता है इनका भी एक काव्य खंड जो है। अब देखिए इनकी कुछ रचनाएँ हैं, ठीक है, लेकिन इसे रचना का संग्रह समझिए, इस टॉपिक को ध्यान समझिएगा, रचनाओं का संग्रह, बहुत सारा इन्होंने रचना किया, किताब लिखा, लेकिन उसको इकट्ठा किए एक आदमी, सिख के पांचवे गुरु, सिख के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक, लेकिन पांचवे गुरु यहाँ पे थे अर्जुन देव, याद रखिएगा अर्जुन देव ने सबका क्या किया, यहाँ पे रचनाओं का संग्रह किया। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु नानक देव के रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया, कब किया, तो 1604 में किया है, ठीक है। उसका नाम बदल करके सबको एक जगह इकट्ठा करके उस संग्रह को बोला गया गुरु ग्रंथ साहिब, नाम से प्रसिद्ध हुआ उस ग्रंथ को, क्या बोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब, ये याद रखिएगा, ये तो पूछेगा, इसीलिए ये रेड से लिखे हैं, खतरा है बाबू ये पूछा जाएगा। यहां देखिए
इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि देखिए जापूजी हो गया, आशा दीवार हो गया, और रही रास, और यहाँ पे सोहिला। सोहिला पूछेगा सोहिला किसकी रचना है, तो आपको ये गुरु नानक देव की रचना है। याद है इनकी मृत्यु 1539 में हो गई। कब हो गई? 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। मरते समय एक शब्द बोले थे ये, वो बोले थे वाहे गुरु। ठीक है, क्या बोले थे आपसे पूछा जाएगा कि मरते वक्त गुरु नानक जी ने क्या बोला था, तो वाहे गुरु बोले थे, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, अब इस पूरे के पूरे जो भी इसके बाद पाठ लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जति जगमा, और दूसरे लेयर में लिखे हैं क्या, ये एक चीज़ याद रखिए, सुख दुख वाला लिखे हैं कि सुख दुख में कैसे रहना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट अगर वो नहीं, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो इसी से आप समझ सकते हैं। पहला जो लेयर है उस पूरे लेयर का निचोड़ यही है कि सच्चे हृदय में राम नाम अर्थात ईश्वर का जाप करने की सलाह दिया गया। पहला लेयर में बोला गया कि आप सिर्फ राम नाम का जाप कीजिए। ठीक है, किसी भी साधु यानी कि बाह्य अडंबर जितने भी साधु लोग होते हैं, ठीक है, टीका वगैरह लगा लेते हैं, बड़ा सा मतलब चिरकी रख लेते हैं या फिर शिखा वगैरह बांध लेते हैं, ऐसे करके पूरा भस्म शरीर में लगा के एकदम जबरदस्त वाइट वाइट एकदम गोरे बन के कहेंगे कि तुम्हारा लाओ बेटा हाथ देख लें कि तुम्हारा शादी कहाँ होगा, तुम्हारा जीवन कैसे होगा, ये सब अडंबर में नहीं पड़ना है, बस राम नाम का जाप करना है। यही पहले काव्य खंड में लिखा गया। और दूसरे में बोला गया है देखिए क्या, सुख दुख को एक समान होना चाहिए। आप सुख को भी, जब आपको सुख हो तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ज्यादा इतराइए मत, और दुख हो तो ज्यादा दुखी मत कि सारे जहां का दर्द आपके जिगर में है, ऐसा नहीं। सुख और दुख दोनों को बराबर तरीके से अपने अंदर लीजिए। ठीक है, हर चीज को मान लीजिए कि आपको कोई इंसल्ट करे उस पर भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, आपका कोई सम्मान करे तो उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, नॉर्मल रहिए। ये दूसरे दोहा में यही बोले हैं। तो फिर हम लोग बिना देर किए दोहा की तरफ चलते हैं। में गुरु नानक देव जी ने बताया है कि सच्चे अर्थों में मानव का क्या धर्म है। बाबू हम लोग मानव का धर्म जानते हैं कि मानव को इंसान को कैसे रहना चाहिए, या फिर अगर कोई भी व्यक्ति आकर के हमें मोटिवेट करे, या फिर देखिएगा कई जगह साधु संत वगैरह आ जाते हैं बड़ा बड़ा बाल लेकर के, पूरा सिक्खा वगैरह जटा वगैरह लगा करके, और कहते हैं कि लाओ बेटा तुम्हारा हाथ देख ले, और अपने बताए कि बस तुम्हारी शादी यहाँ होगी ऐसे होगी, इस भावनाओं में बहना नहीं है। ये बताए हैं कि ये सब ढंड कमंडल है, इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सच्चे में अगर मानव धर्म देखा जाए तो बस भगवान दिल में होना चाहिए, खुदा गॉड दिल में होना चाहिए। यहां से मानो राम नाम का अगर जप करे और उसमें सुकून मिल रहा है तो बस वही सब कुछ है। किसी प्रकार का मतलब ढोला मंगरू के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस लेसन के जरिए वही बताएं, इस काव्य खंड के जरिए वही बताएं। यहां ध्यान दीजिएगा, बोले राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम बिनु, राम नाम के बिना व्यर्थ है जग में जन्म लेना। अगर आप इस जग में जन्म लिए हैं तो राम नाम का जाप कीजिए, यानी उससे सुकून आपको मिलेगा, मन को शांति मिलेगा। आप बताइए, खुदा एक प्रकार का, हम एक तरह से हम लोग देखे कहा तो नहीं जाता है, लेकिन साधन है शांति का। हम लोगों ने गॉड को नहीं देखा है, लेकिन इतना है कि हम लोगों के दिल में उनके प्रति एक नाम रखने के बाद सुकून मिलता है कि नहीं यार भगवान आगे जरूर कुछ बेहतर करेगा, ये दिमाग में चलते रहता है। वो आज तक हम उसको नहीं देखे हैं, लेकिन एक साधन बनता है, जीने का साधन बनता है, जरिया बनता है, कभी ना कभी गॉड हमारे साथ सही करेगा। अब वो होता है कि नहीं ये कोई नहीं जानता। तो जिस चीज़ से हमें सुकून मिल रहा है, ठीक है, खुशी मिल रही, उस चीज़ को ज़रूर अपनाएं। यहाँ देखिए, राम नाम के बिना व्यर्थ है जगी, जगी मतलब जग में जन्म लेना बेकार है। आप देखे होंगे राम नाम भगवान से भी तो डरते हैं, लोग कहते हैं भगवान से डर, वो है नहीं, ये हम नहीं जानते हैं कि है कि नहीं, बस मानते हैं तो डर है। ठीक है, यहाँ देखिए, बिखू खावे बिखू बोले, यहाँ पे नावे निफल निफलु मट्टी भ्रमना, यहाँ समझिएगा। आजकल के लोग क्या करें, बिख ही खा रहे हैं, विष खा रहे हैं, बिख बोल रहे हैं, यानी कि राम नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। आजकल जो विष खा रहे हैं, विष बोल रहे हैं, देखिए जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, ठीक है, और हमारा क्या हो जाए, मत्ती क्या हो जाए, भ्रमित हो जा रहा है, यानी निष्फल हो जा रहा है। निष्फलता मतलब असफलता होता है, ठीक है, यानी कि हम लोग जो विष खा रहे हैं, विष बोल रहे हैं, इस हिसाब से हमारा मत्ती क्या होता है, भ्रमित हो जा रहा है। ठीक है, राम नाम के बिना, यानी इसीलिए राम नाम का जाप कीजिए। जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है उसका विष क्या हो जाता है, उसके बातें विष के समान हो जाती है, उसी तरह वो बिख बोलता भी है, ठीक है, और उसका मति यानी दिमाग भ्रमित हो जाता है। यहां समझिए,
पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे संध्या कर्म निकाल करें। अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो पुस्तक कोई भी पढ़े उससे कोई फायदा नहीं, पुस्तक पाठ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, व्याकरण का मतलब बौछार करने से, व्याकरण पढ़ने से आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं, संध्या कर्म नहीं, सांझ के समय जो आप पूजा करते हैं इससे कोई फायदा नहीं अगर दिल में राम नाम का जाप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी राम नाम के जाप करने के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मुक्ति मिलती है। यहाँ मुक्ति मतलब मरना नहीं होता है, ठीक है, शांति सुकून जिससे एक खुशी मिलती है, जिसको किक फिल्म देखे ना इससे खुशी मिला, किक मिला, ठीक है। यहाँ देखिए, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे, ठीक है। यानी कि बिनु गुरु शब्द यानी बिना गुरु के शब्द के ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है, और राम नाम बिनु अरुझी मरे, और राम नाम के बिना आप क्या उलझ के, खुद में उलझ के मर जाइएगा, ठीक है। यानी कि आप देखिएगा इस दुनिया में इतना टेंशन और परेशानी है ना, लेकिन एक सुकून का जरिया होता है भगवान के, नहीं इस बार यार बेहतर करेंगे, यानी राम नाम के नाम अगर आपके दिमाग में गॉड का नाम नहीं आ रहा है तो आप उलझ के मर जाएंगे, ठीक है, उसके बिना उलझ के मर जाएंगे, और बिना गुरु के तो ये मुक्ति मिलता ही नहीं, और ये गुरु ज्ञान देता है, यहाँ समझिएगा। दंड कमंडल शिखा सु धोती तीरथ घूमनो अति भ्रमणो करे, इसका मतलब दंड कमंडल हाथ में कमंडल ले लेने से, ठीक है, शिखा शिखा यानी चोटी बढ़ा लेने से, सूत यानी कि जनेव जो होता है ना, जनेव धागा का होता है, जनेव पहनने से, तीर्थ घूमने से, अति भ्रमण खूब दूर दूर तीर्थ यात्रा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। दंड कमंडल ले लिए, पूरा टीका वगैरह लगा लिए, पूरा चिरकी एकदम मतलब होता है ना यहाँ पे बाल का बना हुआ, ठीक है, ये सब कर लिए तो इससे गॉड की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ राम नाम यहीं से अगर आप दिल में जाप कर रहे हैं तो समझिए कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगा, यहाँ समझिए। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति ना आवे, ठीक है। जपी हरि हरि नाम सु परी परे, यानी कि अगर राम नाम के बिना शांति नहीं आता है और हर हरि का नाम अगर आप जप रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी, इस भव सागर से आपकी नैया पार लग जाएगी और आप सुकून से रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट यानी जटा बढ़ा लिए, बाल मुकुट के जैसे लंबा कर लिए, ठीक है, उसके बाद से तन पर भस्म लगा लिए, वसन छोड़ी, वसन माने होता है वस्त्र को छोड़ दे रहे हैं, तन को नगन कर दे रहे हैं, इससे क्या भगवान मिलेगा, क्या करते हैं लोग देखना, अपने आप बाबू साधु नहीं सावधु होते हैं वो, ठीक है, पूरा एकदम भस्म लगा लेंगे, जटा बना लेंगे, बस भगवान शंकर तो लगता है कि बस वही हैं, उन्हीं के चरणों में तो स्वर्ग बसा है, ठीक है। ये सब नौटंकीबाज है, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह से ढोंगी है, इससे गॉड की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। आप बस मन में दिल में अगर राम नाम का जाप कर रहे हैं बस वही काफी है, आप यहां से बैठे बैठे गॉड को खुदा को याद कर सकते हैं, हर जब कणकण में भगवान है ना तो हर जगह होंगे, कहीं तीर्थ यात्रा घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस घर में बैठ करके खुदा का नाम लीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, ठीक है, बस वही सब है। ये सब जितना भी है दंड का मंडल सब बेकार है। यहां देखिए, जेते जिया जन जल थल महियल, समझिएगा, देखे जितने जीव हैं जंतु हैं जो जल में वास करते हैं, थल में वास करते हैं, जमीन पर, महियल मतलब पृथ्वी पर, इस पर वास करते हैं, जत्र तत्र माने इधर उधर, उस सब में हम लोगों का जन्म होता है, ठीक है। तू सरब जिया यानी कि उस सब में इंसान का जन्म होता है, ठीक है, लगभग 84 लाख योनि में, यानी 84 वेराइटी होता है ना, वेराइटी अलग अलग वेराइटी का, 84 लाख वेराइटी में हम लोग का जन्म होता है, इसमें सबको जन्म लेना है, लेकिन फिर भी राम नाम के बिना आपका हर एक जन्म व्यर्थ है, ठीक है। यहाँ देखिए, गुरु प्रसादी राख ले, यानी कि गुरु का प्रसाद यानी गुरु का ज्ञान, ठीक है, गुरु प्रसादी राख ले जन, यहाँ पे जो जन मतलब होता है लोग, ठीक है, जन मतलब क्या होता है लोग, जिस जन को, जिन लोगों को गुरु का प्रसादी मिला है यानी गुरु का ज्ञान मिला है, जैसे कि यहाँ कबीर यहाँ पे गुरु नानक जी खुद कह रहे हैं, हरिरस नानक झोली पिया, इसका मतलब हुआ कि ये नानक जी खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने हरिरस का मैंने राम नाम का जप कर लिया, झोली भर पी लिया और मुझे जाके शांति मिला है, सुकून मिला है, तो यही इनके बारे में डायरेक्ट बोले हैं कि किसी भी दंड कमंडल साधु शिखा जट्टा वगैरह कुछ भी बना ले, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बस घर पे बैठ करके अगर राम नाम का जप करते हैं तो बस वहीं से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, सुकून आपको मिल सकता है, ये आपको लेयर समझ में आया होगा। अब देखिए, इंसान के अब यहाँ पे दुखों का बात किया जा रहा है, इंसान को किसको दुख नहीं है यार, सबको दुख है, बस कोई बता देता है, कोई दिखा देता है, कोई छिपा लेता है, ठीक है। देखिए, जो नर दुख में
दुख नहीं माने, यानी जो नर जो होता है, नर मतलब कोई भी नर हो सकता है नर, अब देखिए कोई भी इंसान मान लो, जो नर अपने दुख को दुख नहीं मानता है, अरे क्या हो गया, गॉड ने अगर दुख दिया है ना तो वो होके ही रहेगा, ठीक है, उसमें टेंशन क्या लेना, उतना जिस तरह हम लोग सुख से, देखो हम लोग को सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, तो सुख को आराम से वाह क्या बात है बहुत सुकून मिल रहा है, अरे तो वैसे ही दुख को भी झेल लो ना, ठीक है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, प्लस माइनस के बिना बल्ब नहीं जलता, तो सुख और दुख के बिना जीवन नहीं चल सकता, बिना दुख के सुख का मजा नहीं उठा सकते, पता ही नहीं चलेगा सुख क्या होता है, यहां समझिए। जो नर दुख में दुख नहीं मान, जो नर दुख में दुख नहीं मानते, नहीं दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और उभय नहीं, जिसको सुख से स्नेह नहीं हो, सुख से लगाव नहीं हो, और मतलब होता है दुख, जिसको दुख से लगाव नहीं, दुख से भय नहीं हो, यहाँ पे कंचन माटी जाने, यानी कि जिसको कंचन को माटी यानी सोना को माटी समझता हो, यहाँ देखिए नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, यानी जो कभी निंदा से नहीं डरता हो, निंदा से उसको कोई परेशानी नहीं होती, निंदा का मतलब समझते हैं, इंसल्ट से कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं अस्तुति नहीं प्रशंसा से कोई फर्क पड़ता हो, ठीक है, लोभ मोह और अभिमान, ना उसको कोई लोभ हो ना मोह हो ना अभिमान हो, अगर ये सब कुछ त्याग देता है, यहाँ देखिए हर्ष शोक ते रहे निहारो, जो अपने हर्ष यानी खुशी और अपने शोक दोनों को एक समान समझता हो, ठीक है, ज़्यादा जो खुशी मिले तो ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो करके और कोई काम नहीं करता हो, ज़्यादा दुख मिले तो ज़्यादा प्रेशर में भी वो नहीं जाता हो, ठीक है, ये दोनों को बराबर समझता हो, नहीं मान और अपमान, ना अपने ज़्यादा प्रशंसा पर इतराता हो ना ज़्यादा अपमान पर दुखी होता हो, ठीक है, अब देखिए आशा मनसा सकल त्यागी, ठीक है, आशा यानी जो उसके मन की आशा है, ठीक है, आस लगा के बैठे हैं, अगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, मन की इच्छाओं पर काबू रखता हो, ठीक है, ज़्यादा अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करता हो, सकल ये सब चीज़ त्याग देता हो, ठीक है, जगते रहे निराशा और जग से निराशा रहे उसको, यानी ज़्यादा जग के मोह माया के जाल में नहीं पड़े, ऐसे इंसान की बात की जा रही है, काम क्रोध जेही पर से नाही त्यों घट ब्रह्मा निवास, यानी समझिएगा काम क्रोध को सब को त्याग दो, काम को त्याग दिया, क्रोध को त्याग दिया, किसी के प्रति क्रोध यानी गुस्सा नहीं आता हो, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति के यानी कि हर तरह से मोह माया से मुक्त हो जाए, ज़्यादा कोई चीज़ अगर मिल रहा है उसको तो ज़्यादा खुशी भी नहीं होना है, अगर कोई आपको निंदा कर रहा है तो उस पर सोचना भी नहीं है, ठीक है, वैसे ही इंसान के अंदर क्या होता है ब्रह्मा का निवास होता है उसके दिल में, गुरु कृपा जे ही नर पे कि नहीं तीन यह युक्ति पिछानी, यहाँ ध्यान से समझेगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, ठीक है, वही युग को पहचान पिछानी यानी पहचानता होता है, पहचान सकता है सही से, क्योंकि गुरु की कृपा रहेगा तो गुरु का ज्ञान उपस्थित रहेगा आपके पास, तो हर तरीके से आप युग में होने वाली घटनाओं और युग को आप पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए नानक, यार गुरु नानक जी करें नानक लीन भयो गोविंद सु, यानी नानक जी तो भगवान के भक्ति में अब लीन हो गए, इतना मिल गए हैं परमात्मा के साथ, ठीक है, जिस तरह पानी के संग पानी, जिस तरह पानी में पानी मिला देने से पहचान में नहीं आता है कि पहले वाला पानी कौन मिला है और दूसरे वाला, वैसे ही गुरु नानक जी गोविंद यानी कि परमात्मा में मिल जाते हैं और भगवान के ध्यान में खो जाते हैं, इस मोह रूपी संसार से मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया एक काव्य खंड था। तो देखिए ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देन एंड देयर इसको कंप्लीट हम लोग करते हुए इसका ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव बाबू इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ इस सबसे ज़्यादा, उनके बारे में जो पूछा जाता है उससे ज़्यादा रहता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।